नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। चलिए नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की खबरों पर। सारंगढ़ में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश की वजह से शहर के कई हिस्से जलमग्न की स्थिति में रहे। प्रतापगंज, रायगढ़ रोड, राजापारा सहित कई वार्डों में बारिश की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुड़ा तालाब के ओवरफ्लो की वजह से कई घरों में पानी तक घुस गया है। वहीं इसके कारण रायगढ़ रोड भी कई घंटों तक जाम रही। लगातार हो रही बारिश की वजह से चंदरपुर का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि शहरवासियों को बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण सारंगढ़ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण स्कूली विद्यार्थियों व कॉलेज के छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने आगामी 2 से 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ में खराब मौसम के आसार जताए हैं। और इधर शुक्रवार रात से ही खराब मौसम शुरू हो गया था, जिसके बाद लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण जहां दुर्गम क्षेत्र की फसलों को संजीवनी मिली है, तो कहीं खेतों में फसल डूब गए हैं। वहीं देर रात से हो रही बारिश के कारण अधिकतर लोग घरों में डूबके रहे। इधर रविवार को सारंगढ़ की सब्जी मार्केट भी बारिश के कारण नहीं लग पाई थी, क्योंकि मुड़ा तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर मार्केट तक पहुंच चुका था। मजबूरन सब्जी दुकानदारों को दुकानें सड़क पर लगानी पड़ी। 10 साल बाद हुए इतने बारिश से शहर का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। मुड़ा तालाब से ओवरफ्लो होकर बारिश का पानी हटवारा, प्रतापगंज, गौरव पथ पर बहने लगा है, जिससे कि हटवारा, प्रतापगंज, ईदगाह व झरियापारा एवं सहनी मोहल्ला के घरों में पानी घुसने लगा। गनीमत रही कि बारिश 24 घंटों के बाद सुबह जाकर बंद हुई, जिससे घरों में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी बारिश की वजह से रायगढ़ रोड, सहनी मोहल्ले के पास पानी के बहाव के कारण सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं सारंगढ़ का प्रसिद्ध घोघरा नाला भी पूरे दिन भर उफान पर रहा। घोघरा का पानी आसपास के मोहल्लों के घरों तक जा पहुंचा था। सुबह से ही घोघरा नाला के उफान को देखने लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं शहर में पानी की निकासी की व्यवस्था इतनी खराब है कि आए दिन बारिश के कारण सभी वार्डों में पानी भराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। फिलहाल 24 घंटों तक हुई लगातार बारिश ने आसपास के क्षेत्र सहित महानदी के किनारे रहने वालों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से महानदी का जलस्तर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। वहीं चंदरपुर महानदी का जलस्तर भी लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ने लगा है, जिससे शहरवासियों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। फिलहाल लगातार हो रही इस बारिश से सारंगढ़, कोसी, जसपुर, चंदरपुर, डबरा, बरनकेला, सरिया आदि क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एशियन के लिए मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।